नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, खर्राटे आना या स्नोरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपके साथ रहने वाले रूममेट, हो सकता है आपके बच्चे या वाइफ या अन्य जो भी लोग रूम में है, उनको डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। स्वतः आपको कम पता चलता है कि आप स्नोरिंग कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को पता भी चलता है, बट मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं चलता कि स्नोरिंग उनको हो रही है। तो दोस्तों, माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ स्नोरिंग में ये पेटेंट जवा जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, अधिकतर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है या एक्स्ट्रा कंडीशन जिसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जहां पर सर्जिकल कंडीशन है, वहां पर ये दवा आपकी बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगी। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है वीजल की, देख पा रहे होंगे 45 नंबर ये ड्रॉप है, इसका नाम ही है स्नोरिंग ड्रॉप। इसके अंदर कुछ 5 या 6 दवाएं मिलाई गई हैं जिनका इफेक्ट जो है इसके कॉजेशन से, अर्थात आपको स्नोरिंग का कारण हो क्यों रहा है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेसिकली आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा फ्लैबी और मोटे या चब्बी लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्नोरिंग, जब वो सोते हैं तो उनके गले की जो मांसपेशियां एक तरह से दब जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो मोटे लोगों में स्नोरिंग होना या खर्राटे लेना एक बहुत आम बात है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको एडेनॉइड्स या जिनकी टॉन्सिल्स, गले की जो टॉन्सिल्स है वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो अधिकतर ये किसको होगा, जिनको बार बार रेकरेंट कोल्ड कोराइजा, सर्दी खांसी बार बार लगती है, उनकी अल्टीमेटली जो यहाँ की गिल्टियां होती हैं, टॉन्सिल्स होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और सोने पर आपकी जो हवा का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं बनता है। सेम इसी तरह ऐसे लोग जिनको बार बार सर्दी खांसी या जुकाम होता है, उनकी नाक का मांस हाइपरट्रॉफी कह सकते हैं या पॉलिप बन जाता है नाक में, जिसके चलते रात में सोते समय खर्राटों की दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार नेजल डिविएशन, जो दोस्तों नाक की हड्डी अगर आपकी टेढ़ी मेरी है, जिसे हम लोग DNS बोलते हैं, डिविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन अगर है, तो इस कंडीशन में भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। यही एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ये दवा आपकी नहीं काम करेगी, चूंकि एक सर्जिकल इंप्रूवमेंट का केस है, जहां पर आपकी नाक की हड्डी को काट के या फिर बिना काटे उसे सीधे डायरेक्शन में सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य केसेस जितने भी हैं जहां पर पेशेंट फ्लैबी है या बार बार उसको टॉन्सिल बहुत बड़ी हो गई है या रेकरेंट कोल्ड कोराइजा की वजह से नाक में पॉलिप की ग्रोथ हो गई है, जो कि बहुत बेसिक कंडीशन है। आजकल ये प्रॉब्लम दोस्तों स्नोरिंग ओल्ड एज, यंग एज, मिड एज बच्चों सभी में ये कॉमन प्रॉब्लम पाई गई है, छोटे बच्चों में भी। ऐसे लोग जो नींद नहीं पूरी कर पा रहे हैं उनको भी ये कॉमन समस्या पाई गई है कि स्नोरिंग होने लगती है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या विशेष है WL वीजल की, ये 45 नंबर ड्रॉप में एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों एग्राफिट न्यूटेंस, दोस्तों एग्राफिस न्यूटेंस जो दवा है ये स्पेशली आप देखेंगे तो लियबिलिटी टू कैचेस कोल्ड, ऐसे बच्चे जिनको बार बार या ऐसे यंग लोग जिनको कोल्ड कोराइजा हो जाता है और स्पेशली लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कत बनी रहती है, तो इम्यूनिटी भी लो है, जिनका लीवर कमजोर है उनकी इम्यूनिटी लो रहेगी इनडायरेक्टली, और बार बार कोल्ड कोराइजा होगा जिसके चलते नाक में मांस बढ़ेगा, तो एग्राफिट न्यूटेंस दोस्तों अलग से बहुत अच्छा काम करेगा। फिर से देखिए, कैल्केरिया कार्ब, मोटे फ्लैबी लोगों में कैल्केरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती, चाहे वो एडिनॉइड्स का केस हो या कोई भी केस हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में फ्लैबी मोटे लोगों में कैल्केरिया कार्ब दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्ल्सबार एक्वा, कार्ल्सबार एक्वा दोस्तों स्पेशली बच्चों में दी जाने वाली एक ऐसी दवा है जिनको आप महीने में 2 बार सर्दी या महीने में 3 बार सर्दी, यहाँ तक कि एडल्ट्स जो 22-23 साल के लोग हैं कि एक महीने में 2-2 बार सर्दी या हर दूसरे महीने तीसरे महीने पर लगातार सर्दी होती रहती है, तो रेकरेंट कोल्ड जिसको भी होगा, नाक में मांस बढ़ेगा तो खर्राटे आपको शुरू हो जाएंगे। कार्ल्सबार एक्वा दोस्तों बहुत ही यूनिक मेडिसिन है, यही एक ऐसी दवा जिसे महीने में पेशेंट को 2 बार सर्दी होती, ये पीरियोडिसिटी जो है कि एवरी मंथ पेशेंट को 2 बार कोल्ड कोराइजा सर्दी जुकाम हो जाता है, अलग से आप इसको 34 में ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगी, ऑफलाइन बहुत मुश्किल है। चाइना ऑफिसिनेलिस दोस्तों, चाइना एक ऐसी दवा है जिसे प्रोस्टेशन बहुत मार गया, आपके शरीर का वाइटल फ्लूड, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो पानी हो, किसी कारण से निकल जाता है, तो ऐसे में हम लोग इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। बट चाइना में स्पेशल क्या है जो कि स्नोरिंग में यूज हो रही है, बच्चों की स्नोरिंग दोस्तों, अगर बच्चों की नींद नहीं पूरी हो रही है तो चाइल्डहुड में आपके 10 साल 12 साल के बच्चों में अगर स्नोरिंग की समस्या है तो चाइना 30 आप अलग से देकर देखें, काफी अच्छी नींद भी आएगी बच्चे को और स्नोरिंग की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर मिलाया गया हिप्पोजाइनिनम, ये एक तरह की नोसोड दवा है दोस्तों, जी हाँ,
थ्रोसोर्ड का मतलब मैं अपने पहले भी मेडिसिन वीडियोस में बता चुका हूँ, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डिजीज टिश्यू से, जी हाँ डिजीज टिश्यू मान से लेकर उसको पोटेंटाइज करके ड्रग प्रूविंग के बाद बनाया गया। तो हिपोजाइनम दोस्तों जहां भी मांस बढ़ा हो बॉडी में, चाहे वो आपके पॉलिप रेक्टम में हो एनस वाले एरिया में, चाहे वो पॉलिप आपके नोज वाले एरिया में हो, और पेशेंट की एकदम कॉमन टेंडेंसी कैचेस कोल्ड वाली जो है वो होनी चाहिए। हिपोजाइनम एक सिफिलिटिक मेडिसिन है जहां पर डी जनरेशन होता है। तो अगर आपकी नाक की हड्डी या आपके साइनस वाले एरिया में कहीं पर भी डी जनरेटिव चेंज होता है, अगर आपको नाक से बार बार ब्लीडिंग आती है और नाक में पॉलिप बना हो, तो डी जनरेटिव आप समझ ही ऐसे पाएंगे कि ब्लीडिंग की समस्या नाक से आपको बनी रहेगी, जिसे टेक्निकल टर्म में हम लोग एपिस्टेसिस बोलते हैं। तो ब्लीडिंग आती है नाक में महीने में एक दो बार या छह महीने पे एक दो बार, आपको खराटों की भी दिक्कत है, तो हिपोजाइनम का इंडिकेशन है। 30 पावर में यूजली नोसोड हम लोग हाई पावर में देते हैं, तो 1 ml या 200 में एक से दो खुराक आप इसे ले सकते हैं 15 दिन या महीने भर के गैप में। लैक कैनाइनम दोस्तों, लैक कैनाइनम का बहुत ही स्पेशल इफेक्ट है हमारे शरीर की एडेनॉइड्स पे। गले में अगर आपकी गांठें बड़ी हो गई हैं, स्पेशली लेफ्ट टू राइट, पहले आपकी लेफ्ट में दिक्कत थी अब राइट में, गले की अगर गिल्टियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो लैक कैनाइनम 200 पावर में सुबह शाम कुछ दिन लेकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों साइलिशिया। साइलिशिया को ऐसा बोला जाता है कि कहीं भी शरीर में स्कार टिश्यू, कहीं भी ऐसा एबनॉर्मल टिश्यू डेवलप हो गया है, मांस डेवलप हो गया, तो इसको गलाने में हेल्प करता है। दूसरा साइलिशिया दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जहां पर पेशेंट बहुत चिली है, ठंड बहुत जल्दी लगती है पेशेंट को, गर्मियों की तुलना में सर्दियों का मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो चिली पेशेंट जिनके शरीर में किसी भी तरह की ग्रोथ हो गई है, चाहे वो नेजल पॉलिप हो, मैंने बार बार कहा है दोस्तों कुछ दवाएं जैसे कैल्केरिया कार्बोसाइलिशिया, ये दोनों बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। तो अगर फैटी फ्लैबी पेशेंट की बात हो रही, कोई भी दिक्कत हो, कैल्केरिया कार्ब वहां पर पूरा नहीं तो 50% फायदा जरूर करेगी। सेम इसी तरह साइलिशिया का पेशेंट है, पेशेंट बहुत ज्यादा चिली है, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, गले की एडेनॉइड्स बढ़ गई है, या शरीर में कहीं भी नाक में मांस हो गया, एनएस वाले एरिया में मांस हो गया, पॉलिप डेवलप हो गया या ट्यूमर तक डेवलप हो गया है, तो ये इसको रिजॉल्व करने की, एब्जॉर्ब करने की साइलिशिया क्षमता रखता है। तो दोस्तों इसके अंदर ये 5-6 मेडिसिन थी जो इसे विशेष बनाती है, और आपने इनडायरेक्टली देखा होगा ऐसे सारे पेशेंट जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है, जिनकी एडेनॉइड्स बढ़ गई है, नाक में मांस बढ़ गया है, उनको ही खर्राटे ज्यादा होते हैं, फैटी फ्लैबी पेशेंट को खर्राटे ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इन सारी समस्याओं से बचे रहे तो आप धीरे धीरे देखेंगे स्नोरिंग की समस्या आपकी परमानेंट सही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।